अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर रफ़ानी आटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास हैं सुजुकी बुलान है 2006 मॉडल कारपेटर, मैंने खोले हैं। ये पेट्रोल कितना खा रहे हैं? पेट्रोल इस टाइम कर रही है 8-9 कर रही है। लॉन्ग पे फ्यूल बहुत ज़्यादा गाड़ी खा रही है। कारपेटर खोली है, मतलब कहते हैं टैबर कवर ही खोल ले, सारा खोल ले सामान भी। कारपेटर खोलते हैं, कह रहे हैं लॉन्ग पे कितना दौड़ती गाड़ी, पिकअप कितना है, स्पीड कितनी है? ज़्यादा 80 करना शुरू होती है, लेकिन जाती है ना, अगर 80 से 5 पॉइंट भी आगे जाती है, हाँ, शोर करना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो कारपेटर खोल दें, इंशाल्लाह करते हैं इनकी भी सेटिंग सारी। नीडल वाल जैनवन निकाल के ना जापानी डाल दी लोकल, कभी भी चेंज नहीं जल्दी होती है। नीडल वाल ख़राब नहीं देता, कि गाड़ी गैस पे चलती है, यूज़ ही नहीं होती इतनी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैनवन नीडल वाल कम से कम 1200 रुपये का है। वो उसको पता ही नहीं, उसने नीडल वाल पता नहीं क्यों चेंज कर देते हैं, समझ ही नहीं होती। नीडल वाल से पेट्रोल का कोई तल्लक ही नहीं है, नीडल वाल चेंज कर देते हैं कि नीडल वाल से पेट्रोल गाड़ी कम खाएगी। ये भाई मुझे बता रहे थे, मैं पखड़ गया था पहले, कितनी देर पहले की बात है, 3 माह पहले की बात है, जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर था। कह रहे 400 किलोमीटर गाड़ी 70 लीटर में किया था, 70 लीटर में 7000 रुपये में इतना गाड़ी ने पेट्रोल खाया था। पता कि वो उसने बटर फेक भी लगवा दिया, लेकिन गाड़ी जेनवन थोड़ी चली हुई है, लेकिन उसने बटर फेक नहीं लगवा दी है। पैसे भी बहुत ज़्यादा, कह रहे इंजन का काम भी किया है तो बहुत ज़्यादा पैसे 24,000 ले रही है। गाड़ी फिर ब्लो मारी उसी तरह ही है, खाली पता नहीं हेड किया, हेड ही खाली किया है ना, हेड किया था। इतने पैसे ले लेते हैं, काम फिर नहीं सही करते। खोलता मैं इसके सारी करता हूँ, इसके टैबर भी लूज़ हैं, काफ़ी लूज़ हैं टैबर। टैबर लूज़ होने में साउंड का फ़र्क पड़ जाएगा, और दूसरे नंबर में पिकअप का भी फ़र्क पड़ेगा, इससे एवरेज का भी फ़र्क पड़ेगा। तकरीबन सारे टैबर एक जैसे ही हैं। तो वही हिसाब है, इनटेक का वाल बैठ के ऊपर उठे, ये वाला वाल जो देखें बैठ के ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर है बस। तो सारे टैबलेट एक जैसे किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लूज़ किए हुए हैं। ठीक है, सारे टैबलेट हो गए। कंपनी सुजुकी कैरी डब्बे का ना टाइमिंग 10 पे रखती है, मेहरान का भी 10 पे रखती है। ये टाइमिंग अगर आपने 10 पे करना है ना, टॉप पे ले हैं, टॉप पे ले हैं,
एक नंबर के जो वाल है ये मैंने फ्री कर लिए, ठीक है। ये नीचे घुमाओ जरा, मतलब इसको जैसे ही पॉइंट का मुंह खुलेगा तो टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी इसी जगह पे। ज़ोर से घुमाओ जरा, बस 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 खुला मुंह, और घुमाओ थोड़ा सा, बस ठीक है। वापस करो, और वापस करो, हाँ थोड़ा सा घुमाओ नीचे, बस ठीक है। ये इसका टाइमिंग परफेक्ट हो गया। ये मैंने पहले भी बताया है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की तार उतार के सेंटर से आप स्पार्क कर सकते हैं, स्विच लगा के स्पार्क करेगा तो टाइमिंग परफेक्ट है। और ये फॉल्ट है दूसरे नंबर पे, ये डिस्ट्रीब्यूटर का ये वैकम भी पैप नहीं लगाया हुआ। ये पैकम पैप जो है कम से कम 10 डिग्री एडवांस करता है गाड़ी को, मतलब कि वैकम चेक कर जरा ख़राब है कि सही है, पैप ला के चेक कर फोरी। ये कारपेटर के साथ लगा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करने वाली होती हैं ट्यूनिंग के अंदर, कारपेटर के अंदर, जिसकी वजह से पिकअप बनता है। अक्सर दोस्त ये चीज़ें चेक नहीं करते, जिसकी वजह से ना गाड़ी मज़ेदार नहीं होती। ये आए हैं भाई, बड़े परेशान हैं, 80 से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी, इंशाल्लाह सेट करके देंगे इनको। ये वाला जेट ठीक है, इसका जेन्युइन नंबर है 107 नंबर, 108 नंबर भी जेन्युइन आता है, वो लग जाएगा इसको कैरी डब्बे को। इसका जेट नहीं आपने चेंज करना, 100 का या 105 का नहीं डालना, ये सही लगा हुआ है। मीटर वाल वैसे ही चेंज कर दी होगी उसने, ये वाला जो पैप ना, ये वाला ये लाजमी आपने चेक करना है। ये 10 डिग्री एडवांस करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, ये लाजमी लगाना पैप डिस्ट्रीब्यूटर को, ये कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने इस पैप की। हाँ जी, कारपेटर मैं अभी फिटिंग करता हूँ मुकम्मल करके, ये वाला पूरा काम। ये वाला इसका स्लो जेट के अंदर फॉल्ट है नंबर का, ये मैंने चेंज कर दिया है। ये स्लो जेट बड़ा डिपेंडेंट करता है, मैंने जेन्युइन ही लगाया इसको, करते हैं फिटिंग करते हैं। गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, गाड़ी का मिचर मुचर हर चीज़ एक्यूरेट परफेक्ट है, साउंड भी ठीक है। ये वाला पैर भी उतरा हुआ था, ये भी मैंने लगा दिया है। फिर गाड़ी की ट्राई करते हैं, ये फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रही थी गाड़ी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक मेरा पेज ओके लव।